अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 का पार्ट टू का एग्जाम असाइनमेंट आधारित परीक्षा घर बैठे तैयार कर रहे हैं असाइनमेंट, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वीडियो को जितना हो सके छात्र हित में शेयर कर दीजिए। आप लोग के सेवा में लगा हुआ है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल और stresult.com वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSU आरा ऑफिशियल। लगभग आपको 23,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज का वहां सूचना मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। पार्ट टू एग्जाम में छात्र एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग ग्रुप बना छात्र हित में मैसेज को खोल दिया गया है, उसका नाम है VKSU आरा स्टूडेंट हेल्प। अभी लगभग 10,500 छात्र जुड़े हैं, वहां जुड़ जाइए। पार्ट टू का एग्जाम के लिए स्पेशल ग्रुप है, वहीं से आपको बहुत मदद मिलेगा। अब चलिए यहां पर बात कर लेते हैं जो आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसका। सभी कॉलेज का एक एक कॉलेज का पहला पेज आपको प्रोवाइड करा रहा है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हर एक कॉलेज का, चाहे बात करें आपका सरकारी हो या प्राइवेट, एक एक कॉलेज का आपको फर्स्ट पेज यहां पर मिल जाएगा। हिंदी कंपोजिशन का असाइनमेंट कैसे बनाना है, छात्र कंफ्यूज हैं इसलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और साइकोलॉजी, स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल है कि सर साइकोलॉजी का कैसे बनाना है असाइनमेंट, पूरा डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे साइकोलॉजी का कैसे बनाना है। और सब्सिडरी में बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि स्पेलिंग गलत हो गया है क्या साइकोलॉजी का, तो उसका क्या है पूरा अपडेट चलिए जानते हैं विस्तार से। आंसर कहां से मिलेगा असाइनमेंट का पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके 5 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कैसे आपको फर्स्ट पेज सभी कॉलेज का मिलेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। उसके बाद हिंदी कंपोजिशन का हम लोग बात करेंगे कैसे बनाना है असाइनमेंट, साइकोलॉजी का बात कर लेंगे और अंतिम में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे आंसर आपको कहां से मिलेगा, किस गेस पेपर से मिलेगा, इंटरनेट से कैसे मिलेगा, NCERT सिलेबस बुक से कैसे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको 18-21 पार्ट टू असाइनमेंट का बता रहा है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com वेबसाइट। देखिए गूगल पे जाके सर्च करना है stresult.com stresult.com और यहां से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं stresult.com ओपन हो गया है। यहां नीचे आइएगा तो देखिए, नीचे आइएगा तो आपको यहां कैटेगरी दिखाई दे रहा है। कैटेगरी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहां यूनिवर्सिटी अपडेट, यहां से VKSU का सारा अपडेट मिलता है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर डाल देते हैं जिससे छात्रों को दिक्कत ना। देखिए फर्स्ट पेज पर आपको दिखाई दे रहा है VKSU पार्ट टू का, यहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप असाइनमेंट का प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है चलिए यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहीं से आपको फर्स्ट पेज भी डाउनलोड करना है असाइनमेंट का, प्रत्येक कॉलेज का डाला गया है। देखिए नीचे आइएगा तो पूरा यहाँ विवरण डाला गया है, सूचना डाला गया है पार्ट टू एग्जाम का। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा विवरण है आपका स्नातक पार्ट टू BA BSc BCom असाइनमेंट आधारित परीक्षा का। और यहाँ पर देखिए पूरा आपको विवरण डाला गया, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, यहाँ से VKSU में संपर्क भी कर सकते हैं। अब चलिए यहां से तो आप सब सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लिए होंगे, यहां से आपको आर्ट्स का BA का, यहां से साइंस BSc का, यहां से आपको कॉमर्स का, यहां से वोकेशनल का ऑल कोर्स का डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप हिंदी कंपोजिशन BA BSc BCom का यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट कैसे बनाना है यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, असाइनमेंट का आंसर कहाँ से मिलेगा यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, पार्ट टू का असाइनमेंट नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में यहाँ बताया गया विश्वविद्यालय की तरफ से। यहाँ से देखिए हर एक कॉलेज का फर्स्ट पेज डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको गूगल ड्राइव की मदद से इसको ओपन कर लेना है।
अब देखिए ये आपका फर्स्ट पेज डाउनलोड हो गया। अब फर्स्ट पेज में आप यहाँ पीडीएफ खोलिएगा, गूगल ड्राइव की मदद से ओपन कीजिएगा, तो यहाँ ऑप्शन आपको देखिए कितना आ रहा है। फर्स्ट पेज यहाँ पर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पेज फील, मतलब फर्स्ट पेज को कैसे भरना है यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया गया है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं एक एक कॉलेज का फर्स्ट पेज डाल दिया गया है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है VKSU का एक एक कॉलेज का फर्स्ट पेज डाल दिया गया है। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे इसको भरना है तो आपको चलिए बैक आके दिखाते हैं। बैक आइएगा तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट पेज फील, फर्स्ट पेज को कैसे भरना है यहाँ पर आप खोल के देख सकते हैं। प्रथम पेज को, फर्स्ट पेज को कैसे भरना है यहाँ से आप देख के इसको भर सकते हैं। अब चलिए हिंदी कंपोजिशन का कैसे बनाना है आपको बता देते हैं, साइकोलॉजी का कैसे बनाना है बता देते हैं। उसके बाद आंसर कहाँ से मिलेगा, यशपाल से मिलेगा या A1 से मिलेगा या गेस पेपर, कौन कौन गेस पेपर से मिलेगा, इंटरनेट से कैसे मिलेगा, चलिए स्टेप बाई स्टेप बताते हैं। तो stresult.com से आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा हिंदी कंपोजिशन, तो ये हिंदी कंपोजिशन BA में भी काम करेगा, BSc में भी काम करेगा और BCom में भी काम करेगा। यहाँ पर देखिए जिनका 100 नंबर का हिंदी कंपोजिशन है वो ये प्रथम पेज में जो 5 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई एक को आपको साफ सुथरा 2500 से 3000 शब्दों में बना लेना है, आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। एक तरफ लिखिएगा, दूसरे तरफ नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपका असाइनमेंट थोड़ा साफ सुथरा रहेगा तो सर लोग ज़्यादा नंबर देंगे। अब चलिए अब नीचे आइए, जिनका 50 नंबर का कंपोजिशन है वो लोग यहाँ से कोई एक प्रश्न को लिख सकते हैं। नीचे वाला 50 नंबर का है और देखिए ऊपर वाला आपका 100 नंबर का है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका रचना कंपोजिशन का है, ठीक है, ये नहीं कि आप हिंदी ऑनर्स का ही डाउनलोड कर लिए, ये सब बातों का ध्यान रखना है आपको। इसलिए देखिए कैसे भी समय मिल रहा है आपको हेल्प कर रहा है, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय समय निकाल के वीडियो प्रोवाइड करा दे रहा है जिससे छात्रों का दिक्कत ना हो, गलती ना करे छात्र। अब चलिए अब साइकोलॉजी का कैसे बनाना है, चलिए साइकोलॉजी का आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं, छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। अब देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है कि पेपर आपका 3 होता है और पेपर 4 होता है पार्ट 2 में, लेकिन पेपर 4 आपका प्रैक्टिकल होता है। जैसे ही आप असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा इसके बाद विभाग में जाके आपको जमा करना होगा प्रैक्टिकल, वो अलग बात है। प्रैक्टिकल जब होगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा स्टेप बाई स्टेप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा, लेकिन ये पेपर 3 है इसका आपको एक कॉपी साइकोलॉजी का बनाना है। और यहाँ पर देखिए खंड अ से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है और यहाँ पर देखिए खंड ब से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। याद रहे साइकोलॉजी का पेपर 3 ही होगा केवल, क्योंकि पेपर 4 आपका प्रैक्टिकल होता है, तो यहाँ पर खंड अ से 2 क्वेश्चन और खंड ब से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ऑनर्स का मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तक ऑनर्स है, अब देखिए नीचे आइएगा तो साइकोलॉजी का जो जिनका सब्सिडरी है, जिनका सब्सिडरी विषय साइकोलॉजी है, तो उनको देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको बना लेना है। अब देखिए स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये साइकोलॉजी का स्पेलिंग गलत है क्या, तो ये देखिए ये आपको जो साइकोपैथोलॉजी है ये आपका स्पेलिंग सही है, ये एक सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट का आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको 2 बनाना है सब्सिडरी वालों के लिए, जिनका साइकोलॉजी सब्सिडरी है, मनोविज्ञान सब्सिडरी में लिए हैं। लेकिन जिनका ऑनर्स है तो यहाँ पर देखिए पेपर 3 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको बना लेना है। आई होप पूरा डिटेल्स आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आंसर कहाँ से लिखना है, आंसर कहाँ से लिखना है असाइनमेंट का। वीडियो को देखिए शेयर कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। देखिए आंसर के लिए पहला आप यूज ले सकते हैं किसका, इंटरनेट का, किसका ले सकते हैं, इंटरनेट का मदद ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए आपको मिल जा रहा है, लगभग मिल रहा है। अब चलिए दूसरा में आप ले सकते हैं मदद बुक का, किसका, बुक का, सिलेबस का, जो भी आपका बुक आता है उसका मदद ले सकते हैं, जो भी आप सिलेबस आपका जो भी ऑनर्स का है, सब्सिडरी का है, कंपोजिशन का है, उसका आप लोग ले लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक का हेल्प लेके भी बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा आप कहाँ से ले सकते हैं, तो तीसरा आपको गेस पेपर से ले सकते हैं। गेस पेपर में बहुत सारा गेस पेपर आता है, A1 का आता है आपका, जसपाल आता है आपका, उसके बाद टारगेट का आता है, तो जो भी है आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप बुक से लिखिएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा नंबर आपको बुक से मिलेगा, उसके बाद आपको इंटरनेट से लिखिएगा तो मिलेगा, और अगर आप गेस पेपर से लिखिएगा तो थोड़ा नंबर कम मिलेगा बुक और इंटरनेट के मदद से लिखिएगा उसके कंपेयर में, मैं बात कर रहा हूँ। अब आई होप पूरा डिटेल्स आप समझ गए होंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप VKSU
आरा स्टूडेंट हेल्प, यही लिखना है टेलीग्राम पर जाके। डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम और वहाँ पर लिखिए भिक्के एसयू आरा स्टूडेंट हेल्प और सर्च कीजिए। अभी 10,500 छात्र जुड़े हैं वहाँ पर, छात्र एक दूसरे को मैसेज करके हेल्प कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र कुछ कुछ आंसर भेज भी दिए हैं जिससे छात्रों को मदद मिल रहा है। तो ये ग्रुप में आप जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल है आपका भिक्के एसयू आरा ऑफिशियल, वहाँ पर एक एक सूचना मिलता है। वहाँ 24,000 छात्र हैं और यहाँ पर आपको पार्ट टू एग्जाम के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है भिक्के एसयू आरा स्टूडेंट हेल्प, यहाँ जुड़ जाइए डिस्कशन के लिए, आंसर पाने के लिए। आई होप पूरा डिटेल समझ गए होंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि ASTRESULT.com से आप चलिए असाइनमेंट डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कुछ ऑप्शन वहाँ पर आंसर का भी बगल में लिख दिया है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ भी आंसर देने का प्रयास करें। कैसा है इंटरफेस चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए गूगल पर सर्च करना है STRESULT.com और यहाँ से पार्ट टू असाइनमेंट का पोस्ट खोलिएगा आप। तो देखिए नीचे में आपको पोस्ट को अपडेट कर दिया गया है, यहाँ से आप एक एक सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बगल में आपको आंसर का भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको आंसर डाला नहीं गया है। प्रयास करेंगे कि आंसर भी डाल दें। ऐसे आप आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में भिक्के एसयू आरा स्टूडेंट हेल्प में, या इंटरनेट का मदद लीजिए, बुक का मदद लीजिए। आप अपने से आंसर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपने से मेहनत करके आंसर लिखिए। आप लोग को हेल्प थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए तो भिक्के एसयू आरा स्टूडेंट हेल्प ग्रुप बना ही दिए हैं, वहाँ पर डिस्कशन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।